फाइनली हम लोग पहुंचे हैं मैहर माता दर्शन करने के लिए। फिलहाल हम लोग लगभग 1030 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं और आगे सामने का प्रदेश देखिए कुछ ऐसा है, और सामने पूरी तरह जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए। हमारे पीछे भी आप श्रद्धालुओं का रेला देख सकते हैं। सभी लोग दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आगे अभी गेट बंद है, उस समय बाद जब ये गेट ओपन होगा तो फिर उसके बाद फिर हम लोग भी आगे की तरफ प्रवेश करेंगे। जयकारे के साथ अब सभी लोग जो श्रद्धालु हैं वो प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर का जो प्रांगण है उधर, और पीछे का प्रदेश देखिए कुछ ऐसा है। सीढ़ियों को चढ़ते समय अगर सुविधाओं की बात करें तो जगह जगह पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है, वहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और पूरा छज्जानुमा ऊपर है, देख सकते हैं कि अगर बारिश होता है तो भी कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और जगह जगह बैठने के लिए भी, अगर आप थक जाते हैं या फिर वरिष्ठ हैं तो भी थक जाते हैं तो आपके बैठने की भी सुविधा जगह जगह की गई है। फिलहाल देखिए हम लोग गेट पर पहुंच चुके हैं, गेट का प्रदेश है कुछ इस प्रकार, और जैसे ही गेट खुलता है हम लोग प्रवेश करते हैं तो आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। ये रहा जय माँ शारदे का गेट, जहाँ से कि सभी लोग देखिए प्रवेश कर रहे हैं, और लगभग 45 मिनट से हम लोग खड़े हैं और धीरे धीरे आप देखिए लाइन अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ मन्नत की बातें करने की रखी है और फिलहाल हम लोग रहे इधर। तो देखिए फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर निकल चुके हैं, और पीछे देख सकते हैं कि मंदिर का निकास द्वार है जहाँ से हम लोग दर्शन करके बाहर निकले हैं। फिलहाल भीड़ भी आप देख सकते हैं कि अपरंपार है, और लगभग एक घंटे के लगभग डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद हम लोग भी दर्शन कर पाए हैं। फिलहाल देख सकते हैं इस तरह का प्रदेश यहाँ पर है, और सामने देखिए कुछ इस तरह की भीड़ इधर देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल इधर से भी प्रवेश द्वार, इधर से भी देख रहे हैं दर्शन करने वाले लोग, इधर से भी कुछ जा रहे हैं, और हम लोग तो अपोजिट साइड से घुसे हैं और इस साइड से निकले हैं। चलिए फिलहाल अब हम लोग चूँकि बाबू का मूड़न कराने हम लोग पहुँचे थे, तो अब आगे का कार्यक्रम देखा जाए कि मूड़न कहाँ पर होता है। फिलहाल देख सकते हैं फोटो वगैरह ये लोग क्लिक करा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रोपवे का मार्ग है, जहाँ से कि जो दर्शनार्थी हैं वो मैहर माता दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोपवे आ रहा है, और थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर सामने जो है इसका जंक्शन दिख जाएगा। ये रहा सामने देखिए जंक्शन, जहाँ पर कि लोग देखिए दर्शनार्थी यहीं पर उतरते हैं और यहाँ से फिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा परिक्षेत्र रोपवे, इधर से देखिए रोपवे से जाने का मार्ग है, और जब आने का मार्ग है वो इधर से देखिए रोपवे आता है, तो फिर यहाँ से उतरते हैं लोग, यहीं से उतर करके फिर आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए सामने जाते हैं। सामने ही माता का मंदिर है, तो देख सकते हैं उतरने वाली सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और सामने देखिए कितना शानदार नज़ारा, क्योंकि पूरी तरह पहाड़ी वादियों का प्रदेश यहाँ से दिखाई देता है, और ऊपर से तो और भी भव्य दिख रहा था। फिलहाल यहाँ से भी देखिए खड़ी सीढ़ियाँ हैं, और यहीं से देखिए हम लोग उतर रहे हैं। देखिए कार्यालय है माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी मैहर, और उसी के जस्ट बगल में माँ शारदा अन्नकूट प्रसादम प्रसादालय है, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे देखिए तमाम लाइनें लगी हैं, लोग प्रसाद ग्रहण करके इधर से आ भी रहे हैं, और फिलहाल प्रतिदिन तो 10 रुपये का शुल्क लगता है, लेकिन आज के दिन जो किसी भक्त के द्वारा इसको निःशुल्क कराया गया, जो कि सतना कराने वाले हैं। लोग इसी यात्री क्रमांक निवास 2 में रुके हुए थे, आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, और 350 रुपये इनका 12 घंटे का चार्ज है, और AC लेते हैं तो 700 रुपये 12 घंटे का, और उसके बाद अगर ज़्यादा लेंगे तो उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, और यहीं से नज़दीक में यहीं से हम लोग बाहर निकलते हैं और लेफ्ट साइड से यहीं से फिर चले जाते हैं हम लोग मैहर माता के ऊपर दर्शन करने के लिए। दर्शन करके फिर लौटते हैं, फिर हम लोग का रुकना यहीं पर होता है। फिलहाल देखिए ये पीछे पहाड़ियाँ हैं, उसी पहाड़ी पर हम लोग गए थे, और फिलहाल देखिए यात्री निवास क्रमांक ये आपका 2 है, जहाँ लिखा है कि माँ शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर द्वारा संचालित है यात्री निवास क्रमांक 2।